गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं जा रहा हूँ चाइना, सुबह के 5:30 बज रहे हैं यहाँ पे। तो अभी बस आ चुकी है, ये इस तरह की बस है, ये चाइना रेलवे स्टेशन तक लेके जाएगी, जहाँ पे ट्रेन स्टेशन है चाइना जाने के लिए। जो ट्रेन आएगी 8 बजे की ट्रेन है, ये बस है वो। ये रेलवे स्टेशन है यार, चाइना जाने के लिए जो ट्रेन लगने वाली है। तो ये रेलवे स्टेशन है, ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब एयरपोर्ट है, ये एयरपोर्ट जैसा रेलवे स्टेशन है। तो ये रेलवे स्टेशन है चाइना जाने के लिए। लाओस का जो वियंटाइन सिटी है, वहाँ से थोड़ी 1/2 घंटे की दूरी पे सिटी के बाहर। ये किसी एयरपोर्ट से भी बड़ा लग रहा है। तो चलो पहले देखते हैं अभी कैसे क्या यहाँ पे टिकट का है। यहाँ से शायद अंदर जाना है, यहाँ पे कुछ फॉरेनर लोग भी खड़े हैं, शायद इनको मेरा पासपोर्ट बताना होगा। अभी भाई हुआ ऐसा है कि मैं जो पीछे वो लाइन में जो वहाँ पे खड़ा था, तो वहाँ पे एक दो फॉरेनर भी खड़े थे, तो उनके साथ बातों बातों में पता चला कि वो जो लाइन है वो टिकट लेने के लिए है, टिकट ख़रीदने के लिए है, एंट्रेंस के लिए नहीं। जिनके पास ऑलरेडी टिकट है तो वो लोगों की यहाँ से एंट्रेंस है उनके लिए। तो मैं ऐसे ही खड़ा था 5-10 मिनट। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, होता है ट्रैवलिंग में ऐसी बातें। तो अभी मैं यहाँ पर आया हूँ, जिनके पास शायद से ऑलरेडी टिकट है तो उनके लिए यहाँ से एंट्रेंस है शायद से। तो मोबाइल पे मेरे टिकट है, उसका जस्ट QR कोड बताना है यहाँ पे मुझे। तो अभी क्या प्रोसेस है मैं देखता हूँ, अंदर जाके आपको बताता हूँ क्या है। तो भाई मैंने अभी ये वहाँ पर पूछा, ये जो गेट है यहाँ पर दरवाज़ा सामने लगा हुआ है, अंदर जो इंसान बैठा है उनको पूछा मैंने, तो उसको समझ में तो नहीं आया कोई, लेकिन उसने दरवाज़ा खोला नहीं, वो बोला रुको करके, अभी 7:45, 8 बजे का ट्रेन है शायद, इसके लिए वो अंदर नहीं छोड़ रहे अभी। यहाँ पे मेरे साथ कुछ फॉरेनर्स भी बैठे हैं, तो रुकता हूँ अभी, शायद से कुछ देर के बाद वो मुझे अंदर छोड़ेंगे। मेरे पास अच्छा है कि मैंने कल ही टिकट लिया, निकाल लिया था। वैसे तो यहाँ पर भी टिकट मिल रहा है, मुझको टिकट मिला चाइना का $80 में टिकट मिला। और शायद से मुझे ऐसे लग रहा है कि वो जो लाइन वहाँ पर है, तो वहाँ पे शायद डायरेक्टली वो टिकट निकल रहे हैं यहाँ से, तो शायद से थोड़ा सस्ता पड़ सकता है यहाँ पे। ये जो रेलवे स्टेशन है जो है, ये जो आप देख रहे हैं, तो ये मतलब हमारा पूना का जो एयरपोर्ट है ना, उससे भी ये 10 गुना बेहतर है यहाँ का रेलवे स्टेशन। तो मुझे लगता है कि ये डेवलप तो लाओस ने नहीं किया होगा, ये डेवलपमेंट चाइना की होगा, क्योंकि चाइना वैसे धीरे धीरे ये लाओस में भी एंट्री मार रहा है। तो अभी मैंने आते समय देखा, मैं जब बस से अभी आ रहा था, बहुत सी जगहों पे चाइना लैंग्वेज में बोर्ड लिखे हुए हैं, बहुत सी दुकानों के ऊपर चाइना लैंग्वेज में बोर्ड है। तो ये देखने लगता है कि धीरे धीरे चाइना इसे भी निकल लेगा। ये देखिए आप, ये जैसे कि एयर होस्टेस है उस तरीके से, ये कुछ 4 लेडीज़ है और 2 जेंट्स हैं, जैसे कि एयरपोर्ट पे होता है ना उस तरीके से। ये हवाई सुंदरिया यहाँ से जा रही है। तो भाई मैं आपको ये बताता हूँ, पहले मैं एंट्रेंस के वहाँ पे खड़ा था, तो वहाँ पे मैंने मोबाइल पे मेरा टिकट बताया, तो उन्होंने बोला कि आपको इसका हार्ड कॉपी लेना पड़ेगा। तो मैं जहाँ पे पहले खड़ा था वहाँ पे वापस आ गया, और वहाँ से अंदर आने के बाद यहाँ पे जो ये बीच में लाइन है वहाँ पे मैंने मेरा पासपोर्ट बताकर वहाँ से मैंने हार्ड कॉपी ले ली टिकट की। ये टिकट है जो मुझे मिला है वहाँ पर,
और ये जो बाकी सब जो आप लाइन देख रहे हैं वो डायरेक्टली ये टिकट लेंगे वहाँ पे यहाँ से, और जिन्होंने ऑनलाइन टिकट निकाला हुआ था उनके लिए छोटी लाइन है यहाँ पे बीच में। तो इस तरह से इनका टिकट जहाँ पे निकालते हैं वहाँ की ये जगह है। अरे यार देख, हमें वापस आने तक लाइन कितनी बड़ी हो गई। अभी सिर्फ पौन घंटा रह गया ट्रेन निकलने के लिए, और यहाँ से एंट्रा से ये, मैं जब पहले आया था वहाँ पे यहाँ पे कुछ भी मतलब भीड़ थी नहीं, अभी यहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो चुकी है, बहुत सारी लंबी लाइन हो चुकी है। तो अभी मैं लाइन में लग के वापस आ चुका हूँ यहाँ पर, और ये जो लेडी है ये पासपोर्ट टिकट चेक करी अपने, मेरा अभी मैं स्टेशन के अंदर एंट्री कर रहा हूँ। अंदर से भी बहुत ही मतलब खूबसूरत है, लग रहा है कि मैं अभी एयरपोर्ट के अंदर जा रहा हूँ। और यहाँ पे चेकिंग हो रहा है प्रॉपर, जैसे एयरपोर्ट पे चेकिंग होता है वैसे सब सामान मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो ये रेलवे स्टेशन है, इसका ये अंदर का नज़ारा है, और यहाँ से मैं अंदर आया जहाँ पे प्रॉपर एयरपोर्ट की तरह वहाँ पे चेकिंग हुआ, लगेज और वो सब मशीन वगैरह लगा के सब चेक कर रहे। और यहाँ पे बैठने के लिए चेयर्स है। आप अभी कंपैरिजन किए कीजिए कि हमारा रेलवे स्टेशन और ये रेलवे स्टेशन कितना डिफरेंस है। और ये उस तरफ मुझे ट्रेन अभी दिखाई पड़ रही है, थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ बैठने के लिए ट्रेन में। अभी 7:15 बज रहे, अभी शायद से 1 घंटा है। तो भाई अभी मैं ब्रेकफास्ट के लिए ये सैंडविच ले रहा हूँ, तो ये एक सैंडविच है 35,000 की। मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि मैं कुछ लाओस का करेंसी मेरे पास बचा हुआ है, तो अभी ये पैसे चेंज कराऊँ मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा, करेंसी चेंज करना पड़ेगी मुझे। वन सैंडविच, वन दिस दिस ओके 35,000 की। यस वन थिंग यू गिव मी मोर, वन मोर टू। यस टू 70,000 की। 15 ओके 50 20 35,000 ओके। तो लाइन स्टार्ट हो गई, मैं अंदर जा रहा हूँ यहाँ से। टिकट शायद ये सामने जो ट्रेन खड़ी है यह चाइना जाएगी कुनमिंग के लिए। मेरा कोच जो है वो 05 है, मुझे यहाँ पे पूछना पड़ेगा। वो सामने दिखाई दे रहा है, उस पर 05 लिखा है, फिर भी मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। जो भाई साहब खड़े हैं इनसे कंफर्म करता हूँ। वेर 05 दिस ओके एंड व्हाट इज़ द टिकट नंबर? 6 ओके। इस तरह से ये ट्रेन जो आप देख रहे हैं चाइना जाएगी। अंदर जाते हैं, इस कोच के अंदर जाते हैं। What is my ticket number? 5 here, and your seat is 6F. Yeah. Okay.
टिकट नंबर 6F है ये, आप देखिए जो प्लेन में जो जैसे नंबर होते हैं सीट के ऊपर उस तरीके से है सब ये। अच्छा कोच है, सेकंड क्लास है, उसका तकरीबन 7000 के आसपास टिकट, 7000 के आसपास में टिकट मिल रहा है। ये साइड में दूसरी ट्रेन खड़ी है, तो हमारी ट्रेन अभी स्टार्ट हो चुकी है। ट्रेन का टाइमिंग था 8:10, तो एक्यूरेट टाइम पे यहाँ से निकल चुकी है ये ट्रेन, जस्ट अभी स्टार्ट हुई है। और 8:05 पे ट्रेन के सभी डोर्स बंद हो चुके थे, तभी यहाँ से ट्रेन ये निकल चुकी है। ट्रेन के अंदर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है, एकदम माहौल बहुत ही शांत है, सिर्फ लोगों के बोलने की आवाज़ है, बाकी कोई आवाज़ नहीं है। बाहर का जो शोर है, बाहर का कुछ भी शोर अंदर नहीं है, बाहर का 1% भी आवाज़ अंदर नहीं है। और ये अपनी हवाई सुंदरिया वहाँ से आ जा रही है, और ये ट्रेन की सुंदरिया है। और हम शाम को 6:30 कुनमिंग में पहुंच जाएंगे, और मुझे लग रहा है कि लाओस का जो बॉर्डर है वो लाओस और चाइना का जो बॉर्डर है, ये ट्रेन शायद से 2 से 3 के बीच में वहां से निकलेगी। अभी तो 8:15 बज रहे हैं, और लग रहा है मुझे 3 के आसपास हम शायद से चाइना बॉर्डर क्रॉस करके अंदर जाएंगे, और 6:30 तक वहाँ पर पहुँचने का टाइमिंग है ट्रेन का। तो तब तक दिन भर मुझे इसी ट्रेन से सफ़र करना होगा। अभी खाने पीने का क्या इंतज़ाम है मुझे पता नहीं, जस्ट मेरे पास एक सैंडविच है। अभी यहाँ पे अभी एक ट्रेन अटेंडेंट आई थी, उन्होंने मुझे मेरा पासपोर्ट चेक किया, मेरा टिकट चेक किया, और मुझे ये किया अराइवल कार्ड दिया जो मैं एंट्री करूँगा वहाँ पे। तो शायद ये वहाँ पर मुझे फ़िलअप करके देना है, तो अभी मैं ये फ़िलअप करके रखता हूँ। यहाँ पे जस्ट मेरा नाम है और कुछ मेरी डेट ऑफ बर्थ है, पासपोर्ट नंबर, वीज़ा नंबर है, ऐसी कुछ नॉर्मल जानकारी है यहाँ पे, पर्सनल फ़ोन नंबर वगैरह। तो ये मैं अभी फ़िलअप करके रखता हूँ, उसको मुझे ये फ़िलअप करके देना पड़ेगा। और आपको और एक बात बताना चाहता हूँ मैं, ये जो कोच है यहाँ पे, अगर आप देख रहे हैं यहाँ से, अगर देखना थोड़ा मुश्किल होगा, तो वहाँ पे ट्रेन के बाहर का टेम्परेचर क्या है, कितना है वो बता रहे हैं, और अभी ट्रेन का स्पीड कितना है वो भी बता रहे हैं। तो अभी ट्रेन का स्पीड आपको मैं बोलता हूँ, ट्रेन का स्पीड अभी 162 किलोमीटर पर आवर, 162 किलोमीटर पर आवर ये ट्रेन का स्पीड है, और बाहर का टेम्परेचर 28 है अभी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ, जो ट्रेन जा रही है बीच में टनल्स आ रहे हैं और पहाड़ी आ रही है, तो नेचर बहुत ही खूबसूरत है। अब देखिए टनल आ चुका है, टनल के अंदर से ट्रेन जा रही है।
तरफ पहाड़ियाँ देखने से ये ट्रेन का रास्ता है और बहुत ही दोनों तरफ बहुत ही खूबसूरत नज़ारे है। ये ट्रेन लाओस का एक सिटी है लुआंग प्रबांग करके, तो उस लुआंग प्रबांग स्टेशन पे आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग ट्रेन में बैठने के लिए खड़े हैं। अभी तक हम लाओस में ही है। यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी की बात ये है कि जहाँ पर मैं बैठा हूँ तो मेरे पीछे और बाजू में कुछ 10 से 12 बूढ़े लोग बैठे हैं और वो इतना चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे हैं। अभी इरिटेटिंग हो गया, बहुत देर से मैं सहन कर रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं कर सकता। अभी क्या बोल सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुँच चुके हैं चाइना में। ये सब लोग फिर से उतर रहे हैं तो मुझे अभी पता चला है जो मेरे पास जो अराइवल का जो स्लिप है ना, तो वो स्लिप यहाँ पे भरना है। स्लिप यहाँ पे शायद वापस से इमिग्रेशन होगा, लगेज वगैरह चेक होगा वापस से यहाँ पे, और वो जो रिसीट है वो भर के देना है उनको। अराइवल का जो पर्ची दिया उन्होंने ट्रेन में मुझे जो मिली थी, उस पर नॉर्मल ही कुछ अता पता लिखना है अपना कि और चाइना में कहाँ रुकने वाले हैं, कौन से होटल में रुकने वाले हैं, उसका पता एड्रेस वगैरह लिखना था, तो वो सब उस पर लिखा है मैंने। यहाँ पे अराइवल का प्रोसेस पूरा करते हैं। अब हम आ चुके हैं चाइना में। ये चाइना के वो जो टनल क्रॉस करके हम अंदर आ चुके हैं, तो टनल के इस तरफ मोहन करके ये चाइना का रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे अराइवल का प्रोसेस पूरा करना है, जो उन्होंने पर्ची दिया था अराइवल का वो सब फिलअप करके यहाँ पे दिखाना है। यहाँ पे सब लगेज वगैरह कस्टम क्लियरेंस वगैरह सब होगा और वापस से हमें उसी ट्रेन में आके बैठना है। तो इस तरह से सभी लोग वहीं पर जा रहे हैं। जो फॉरेनर लोग हैं मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी जो लोग हैं उनको तो कुछ इंग्लिश समझ में नहीं आती। अगर मुझे कहीं पे अड़चन होती है तो मैं उनको इंग्लिश में पूछ सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कुछ है फॉरेनर, एक जो एक फॉरेनर्स भी है यहाँ पे। बाकी लोगों को तो सिंगल वर्ड भी समझ में नहीं आता इंग्लिश का, कुछ फ़ायदा ही नहीं उनसे बात करते। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने अराइवल का प्रोसीजर भी पूरा कर लिया है और बहुत आसान प्रोसेस था, ज़्यादा कुछ नहीं। पासपोर्ट बताया और कुछ वो अराइवल का चिप वगैरह दिया था मैंने, अराइवल का स्लिप जो है वो भर के दिया था। कुछ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन थी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ और पासपोर्ट नंबर वगैरह ऐसा ही कुछ था, ज़्यादा कुछ था नहीं, तो वो दिया मैंने। पूरा प्रोसेस करके, पूरा लगेज वगैरह चेक करके अभी मैं यहाँ पर आके रुका हूँ। और यहाँ पर ये सभी लोग मेरे साथ में जो ट्रेन में थे, सब लोग यहाँ पर रुके हुए वापस में ट्रेन में जाके बैठने के लिए। सामने वाला गेट बंद है अभी, तो वो गेट खुलने के बाद फिर सब वहाँ पे जाएंगे। बहुत ही नए नए एक्सपीरियंस आ रहे हैं अभी लाइफ में, अच्छा लग रहा है कुछ नया ऐसे देख के, कुछ नया करके। ये अभी सिचुएशन ये है कि टनल के उस पर जो था वो लाओस था, टनल क्रॉस करते ही चाइना लग गया और चाइना का ये मोहन करके रेलवे स्टेशन है, मोहन। तो मोहन में ट्रेन खड़ी रही, यहाँ पर अराइवल का प्रोसेस पूरा हुआ कि आप लीगली सब मतलब आप यहाँ पे अराइवल कर रहे हैं, चाइना में एंट्री कर रहे हैं आप लीगली, उसका ये प्रोसेस था। अब मैं प्रॉपरली लीगली चाइना में एंट्री कर चुका हूँ। अभी ये जैसे ही ये सामने का गेट खुलेगा हम ट्रेन में जाके बैठ जाएंगे। ये देखिए ऑफलाइन मैप के ज़रिए मुझे सब पता चल रहा है, मेरा मैप को स्टार्ट है नहीं वैसे, नेट तो मेरा एक्टिवेट है नहीं, लेकिन आप अगर यहाँ पे देखेंगे ये जो ब्लू डॉट जो है ना, ये है मोहन रेलवे स्टेशन चाइना के अंदर,
और जो ये सफ़ेद लाइन जो दिख रही है उसके पीछे था लाओस। वहाँ से हमने अंदर एंट्री की, अंदर एंट्री करते ही मोहन रेलवे स्टेशन मिला, वहाँ पर ट्रेन रुकी है। यहाँ पर सब इमिग्रेशन का कस्टम क्लियरेंस वगैरह सब क्लियर करके हम वापस से ट्रेन में जाने के लिए यहाँ पर रुके हुए। तो अभी हम प्रॉपर चाइना के अंदर एंट्री ली है हमने। यहाँ पे मेरा सभी काम ऑफलाइन मैप के ज़रिए ही चल रहा है, तो गूगल मैप चाइना में चलता नहीं ऐसा कहते हैं। तो देखता हूँ अभी अंदर आ चुका हूँ, आगे भी ये साथ देता है या नहीं देता है, क्योंकि होटल का पता मुझे सिर्फ आया है मेल पे कौन होटल कहाँ पे है करके, लेकिन वहाँ पे पहुँचना कैसे ये मुझे देखना पड़ेगा। फिर अभी अगर ये मैप वहाँ तक भी चालू रहा तो मैं चलते हुए या फिर वहाँ पे सबवे वगैरह ऐसा कुछ होता है वहाँ पे इंक्वायरी करके मैंने जो बुक किया है हॉस्टल वहाँ तक मैं चला जाऊँगा। बस ये गेट खुल चुका है, हम वापस से आ चुके हैं, ये ट्रेन फिर है यहाँ पर। तो वापस हम ट्रेन में बैठने के लिए जा रहे हैं। मेरा 5 नंबर का कोच है तो ढूंढ रहा हूँ अभी मैं, ये 6 नंबर का ये 5 है। हाँ ये 5 नंबर का कोच है। ट्रेन अभी निकल चुकी है यहाँ से, जो पूरा इमिग्रेशन था अराइवल का उसको पूरा कर लिया है, सभी पैसेंजर आके बैठ गए हैं और ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है। लेकिन अभी बज रहे हैं दो बज रहे हैं अभी, और मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ है कि मेरे पास चाइना की करेंसी नहीं है, मेरे पास है सिर्फ डॉलर है और फॉरेक्स का कार्ड है। तो मैं खाना लेने के लिए गया था, उनको बोला मैंने कि मेरे पास डॉलर है कार्ड है, तो बोल रहे कि सिर्फ कैश चलेगी और कार्ड या डॉलर नहीं चलेंगे ट्रेन में। तो फिर अभी हालत तो ख़राब है थोड़ी सी, भूख तो इतनी लग रही है। ये जो अभी जो ट्रेन अटेंडेंस जो है उसको मैंने मेरा प्रॉब्लम बताया है और उसको बोला मैंने कि अगर कुछ सोल्यूशन निकलता है तो प्लीज़ मुझे कुछ खाने के लिए ला के दीजिए। तो अभी उसके कितना समझ में आया मुझे पता नहीं, इंग्लिश समझ में नहीं आती इन लोगों को। और मैंने इशारों में उसको बताया मैंने कि खाना है तुम लेके आओ ऐसा। अब वो स्माइल कर रही थी, हंस रही थी, पता नहीं अभी उसके समझ में आया है नहीं आया, क्योंकि अभी कैसे है कि 2 बज रहे हैं और स्टेशन आएगा कुनमिंग का वो 6:30 बजे, तो तब तक देखता हूँ क्या करना है। कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और कितनी ग्रीनरी कितनी अच्छी है। आ गए तो चाइना इतना बड़ा है कि शायद से मुझे वापस सिर्फ चाइना घूमने के लिए टाइम निकल के आना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अभी लगता है कि आधे घंटे से मेरा जो डेस्टिनेशन है कुनमिंग वो आ जाएगा। और तो फिर ये आज का जो वीडियो है मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और अभी मैं आपको मिलता हूँ जो मेरा भी डेस्टिनेशन है अभी आने वाला है कुनमिंग सिटी, तो वहाँ पे उतरने के बाद ही आपसे मिलता हूँ। तो आज का ये वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय।